1 किलो मैंने पंजे लिए हैं, इनको मैंने जला के साफ करके धो लिया था और धो के फ्रीज कर लिया था। आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 गिलास मैंने पानी के लिए उसको गर्म कर लिया है। अब इसमें पंजे शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख के इसको गलने के लिए छोड़ दूंगी। अब मैं ढक्कन खोलकर देख लेती हूँ। अब हमारे चिकन पाए गल चुके हैं, पानी भी खुशक हो चुका है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। अब मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है। अब इसको थोड़ी देर में गर्म कर लूंगी। 2 मैंने प्याज लिए हैं और इनको लंबे साइज में काट लिया है। अब मैं शामिल कर लूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब प्याज को मैं ब्राउन कर लूंगी। प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया है। अब मैं प्याज को निकाल लूंगी। प्याज को मैंने निकाल लिया है। अब इसको मैं ग्राइंड कर लूंगी। अब इसी ऑयल में मैं लहसुन का 1 टीस्पून पेस्ट शामिल कर लूंगी। एक मैंने टमाटर लिए हैं, उसको काट लिया। अब शामिल कर लेंगे 2 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, 2 टीस्पून खुशक धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून नमक। अब इस मसाले को मिक्स कर लेंगे। अब प्याज जो मैंने ग्राइंड की है वो शामिल कर लेंगे। अब इसमें चिकन पंजे शामिल कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ लगे बेल के बटन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिल सके। अब इसको थोड़ी देर भून लेंगे। अब इसमें मैं चिकन पाए की यखनी शामिल कर लूंगी और 1 गिलास पानी का ही शामिल कर लूंगी। अब इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसको बॉयल आने देंगे। अब बॉयल आ चुका है। ये 5-6 मैंने वैसे लंबे साइज में काट के मिर्चे शामिल कर लूंगी और 4 को मैंने बारीक काट लिया है। और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर लेंगे। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी।